हेलो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 3 के साथ। तो देखिए क्या है ये। इसमें क्या है, हमें एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें हमें हेलो यूट्यूब प्रिंट करना है। तो इस कोड में हेलो यूट्यूब प्रिंट करने की कोशिश की गई है एक कैर लेके। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कैर जो डेटा टाइप है वो होता है 1 byte लॉन्ग। तो जो कैर है उसमें हम सिर्फ या तो हम ए स्टोर करा सकते हैं या बी या फिर 1 और सिंगल क्वोट्स के साथ। ये इतना बड़ा, इतने लेंथ का कोई भी डिजिट स्टोर नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे हमें ये इसके साथ हम कर नहीं सकते, तो हमें यहाँ पे स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। नहीं, स्टोरेज होगी तो क्या होगी, इस नेम के साथ क्या स्टोरेज होगी? अगर इसी को हम लोग प्रिंट कराएं तो ये क्या प्रिंट होगी? हाँ, अगर हम इसी को प्रिंट कराएं तो ये यहाँ पर, क्या आप सोच रहे हैं कि एच प्रिंट होगा? नहीं, यहाँ पर प्रिंट होगा ई। वेरी गुड। क्यों ई प्रिंट होगा? क्योंकि वो जैसे ही हम ऐसे इसमें स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो ओवरराइट होता जाएगा। पहले एच इनिशियलाइज हो जाएगा, फिर ई, फिर एल, तो फाइनली इसमें जाएगा ई। वेरी गुड, तो ई प्रिंट हो जाएगा। राइट। सो एम क्या है, इस प्रॉब्लम का एम क्या है? हेलो यूट्यूब प्रिंट कराना। कैसे प्रिंट कराएंगे हेलो यूट्यूब की कोशिश करें तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये कितना डिजिट लॉन्ग है। तो ये है आई थिंक 13, तो एक ज्यादा लेना पड़ेगा हमें 13 से, वो होगा नल कैरेक्टर। वेरी गुड, ठीक है। तो क्या ये सिंगल कोट में चल जाएगा? क्या अब ये चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर है सिंगल कोट, तो हमें इसे यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा। और अभी भी ये नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर है सी, तो हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा एस स्ट्रिंग के लिए, स्मॉल एस। नाउ आई थिंक द प्रोग्राम इज एब्सोल्युटली करेक्ट। थैंक यू, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड डू सब्सक्राइब, और अगर आपका कुछ प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट करके पूछें।